नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। भारत 2030 में चीन को पछाड़ कर बनेगा एलपीजी का सबसे बड़ा बाजार। अपनी किताबों का भारतीय संकेत भाषा का संस्करण लाएगी एनसीईआरटी। शिवसेना ने कहा कि हाथरस पीड़ित परिवार को भगवान भरोसे छोड़ दिया। मणिपुर के उखरुल में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 रही। असम में मुठभेड़ में यूपीआरएफ का शीर्ष उग्रवादी मार्टिन गुइते मारा गया। राहुल ने वीवीआईपी विमान खरीदने की निंदा की, यूपीए सरकार के फैसले का दिया हवाला। नकवी ने कहा कि पिछड़े और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बनाए जा रहे 99 नवोदय विद्यालय। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में जारी किए 11 केंद्रीय कानून, अधिसूचना हुई जारी। रविशंकर ने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में नहीं जजों की नियुक्ति पर गतिरोध। सोना तस्करी मामले में मुख्य साजिशकर्ता यूएई में गिरफ्तार। कांग्रेस ने कहा कि यूपी सरकार ने शपथ पत्र में की सुप्रीम कोर्ट की अवमानना। वायुसेना में 2027 तक शामिल होंगे 450 उन्नत लड़ाकू विमान। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा कोरोना से संक्रमित, एम्स में कराया गया भर्ती। एमए गणपति नागरिक उद्यान सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख बने, फरवरी 2024 तक रहेगा कार्यकाल। एनडीए में शामिल हो सकती है वाईएसआर कांग्रेस, सीएम जगन मोहन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। यस बैंक मामला, ईडी ने सीकेजी के सीएफओ अनिल खंडेलवाल और आंतरिक लेखा परीक्षक नरेश जैन को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 रही। पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल के भतीजे समेत 11 आरोपियों की संपत्तियां होंगी जब्त। असम में पुलिस पेपर लीक मामले में पूर्व डीआईजी हिरासत में, सुरक्षा कर्मियों ने नेपाल से पकड़ा। सीआरपीएफ का दावा, नक्सली हथियार डालने को हुए मजबूर, अब नहीं मिल रहे नए रंग रूट। डीके शिव कुमार के भाई कोरोना पॉजिटिव, एक दिन पहले ही सीबीआई ने की थी छापेमारी। गिटारिस्ट एडी वैन हेलन का निधन, 65 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। सपना चौधरी के मां बनने पर उठे सवाल, तो पति ने लाइव आकर ट्रोलर्स की कर दी बोलती बंद, कहा हमने अपनी मर्जी से शादी की है। कोरोना की चपेट में आए अभिनेता हर्षवर्धन राणे, सोशल मीडिया के माध्यम से दी जानकारी। वरिष्ठ बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी कोरोना संक्रमित, अस्पताल में भर्ती।